हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, पुष्पांजलि राजू। कुछ अलग तरह का आज वीडियो है। आज गुलाब के बारे में कटिंग वगैरह क्या है ये सब मैं वीडियो में बताना चाहता हूँ। और इसे बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं ऑनलाइन जो गुलाब का डिलीवरी चाहिए सब था ये बंद कर दिया मैंने। अब ये आप जाके किसी और भी नर्सरी से ले सकते हैं। पुष्पांजलि के नाम से बहुत सारी नर्सरियां, बड़ी बड़ी और बहुत पुरानी पुरानी नर्सरियां, उनसे आप परचेस कर सकते हैं। जैसे पुष्पांजलि अशोक जी हैं, पुष्पांजलि परनबीर सर हैं, तो ये ऑनलाइन आप गूगल पे सर्च करेंगे तो कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को देर नहीं करते, शुरू करते हैं। ये मैंने कुछ 20 दिन पहले अपने प्लांट की कटिंग कर ली थी। कटिंग का सीजन आ गया है इसलिए अभी बारिश का मौसम है, और कटिंग करने से क्या है ना कि इसमें ब्रांचेस बहुत अच्छी अच्छी आने लगी हैं। ये मैंने आपको 12/9/23 को ये वीडियो बनाया था, उससे करीब मैंने 7-8 दिन पहले मैंने कटिंग कर किया था। ये मेहंदी का पेड़ है, तो कटिंग करने से क्या है ना कि इसमें अभी ब्रांचेस बहुत अच्छी अच्छी आराम से निकलने लगी। जैसे प्लांट अभी गर्मी की वजह से बहुत खराब प्लांट यह है, तो ब्रांचे अपने अच्छी आने लगी है। ये कुछ हल्का सा जो दिख रहा है ये भी खराब है पत्तियां, लेकिन ये अभी आगे मैं वीडियो दिखाऊंगा। ये मैंने करीब 10 दिन का वीडियो में बनाया था, बीच बीच में गैप में करके, तो मैं डेट बाई डेट डाला हूँ कि देखिये कैसे प्लांट आपकी सही होती जाती है। नीचे से जब आपको जमीन में जड़ों में लगी हुई है प्लांट, तो करीब 8-10 इंची ऊंचाई से इसको काटना है, कटिंग करना, ताकि यहाँ से देखिए हर तरह से ये ब्रांचेस निकल सके। मैं इसे कटिंग करवा दिया, और कटिंग करने का ये पुरानी पुरानी प्लांट है जो गमले में लगाए होंगे, तो वो लोग कटिंग हिसाब से करेंगे क्योंकि उनकी ग्रोथ धीरे होती है। गमले की ग्रोथ धीरे होती है और जमीन की ग्रोथ तेजी से होती है। तो ये मैंने आपको 20 दिन का ग्रोथ वाला वीडियो दिखा रहा हूँ, तो ये आप देखिए इसमें बेसल सूट्स वगैरह सब जो अच्छे से निकलेंगे। और ये देखिए प्लांट, ये मेरे कुछ दिन साल भर की प्लांट है, ये बहुत स्लो ग्रो कर रही है। खाद वगैरह मैंने इसमें नहीं डाला, ये साइड से रखी हुई थी, लगा दिया गया है मैंने। तो कटिंग नीचे से आपको 8 इंची 10 इंची 12 इंची की दूरी पे काटी है, जगह अगर जमीन में आप लगाए हुए हैं, पुरानी प्लांट है तो ये प्लांट मरी नहीं है। ये आपको गर्मी जो इतनी पड़ी ना, इसमें प्लांट खराब होने लगी थी, तो ये पत्ती अपने आप खराब होने लगी। तो कटिंग कर देने से ये सब पत्तियां गिर जाएंगी, नए ब्रांचेस निकलने लगेंगे, देखिए नए ब्रांच आने लगेंगे। ये आपको 12 तारीख के डेट का वीडियो है, अभी मैं 18 तारीख का भी वीडियो डालूंगा, इसके आगे में है। और जो मोटे रूट्स वगैरह जो होते हैं वो सब आपको अभी नहीं, वो आपको दिसंबर में मिलेंगे, जो कि आपको हाई मोटे मोटे डॉलियां वगैरह निकलेंगी, प्लांट निकलेंगे, उसमें फ्लावर अच्छी होती है, घना होती है फ्लावर। तो अभी ये ब्रांच अपने आप को ग्रो कर रहा है, जिसमें आगे चल के आपको फ्लावर वगैरह देंगी। देख रहे हैं ना, ये आपको मर गया, इसको कटिंग करना चाहिए। मैंने कटिंग किया नहीं, मैं वीडियो बनाने लगा। ये जो आप देख रहे हैं ये सब सूख गई है, तो ये सब सूख गई है। इसमें आपको सोनाटा का स्प्रे कर, देखिए मैंने सोनाटा का स्प्रे कर दिया था, तो उसके बाद का रिजल्ट के लिए मैंने ये डाल रहा था। ये देखिए अभी 18 तारीख का, ये सोनाटा का स्प्रे है और ठीटा के स्प्रे से ये इसका रिजल्ट मैं दिखा रहा हूँ। देख रहे हैं ना नीचे से कितने से खूबसूरत होने लगी है। उधर जो मैंने दिखाया था आपको वो अलग डेट का था, ये 18 तारीख के डेट का है। वो वीडियो जो था वो 12 तारीख का था, ये 18 तारीख का वीडियो। देखिए कि ग्रोथ कितने अच्छे तरीके से है। मैंने कुछ दाना DAP का इसके जड़ में डाल दिया था। अभी मैं आगे वीडियो भी दिखाऊंगा, जिसके इसकी मिट्टी की गोड़ाई भी करवाया हूँ मैं, उसका भी वीडियो मैंने इसके साथ बना रखा है। देखिए प्लांट कितने घने होने जा रही हैं। नीचे से ये बेसल्स आपको जो है और नए नए निकलेंगे, अभी तो ये स्टार्टिंग पीरियड है। गमले में लगाए हुए हैं तो याद रखिएगा कि गमले का पौधा बहुत स्लो ग्रो करता है, इसलिए उसकी कटिंग अच्छे थोड़ा सा हल्का करना चाहिए, ज़्यादा नहीं। ये फ्लावर आ गई है तो मैंने फ्लावर हटा दिया, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है ये फ्लावर ना जाके ये प्लांट्स को दे, और प्लांट्स अच्छे से घना और मोटा ग्रो करे, जाकि जितने ज़्यादा ब्रांचेस आएंगे तो उतनी बेहतर है। जैसे मैंने ये एग्जांपल के तौर पे मेहंदी का पेड़ मैं दिखा रहा हूँ, देखिए इसको नीचे से मैंने कटिंग किया, तो इसके बाद इसकी ब्रांचेस देखिए कितनी घनी ब्रांचेस निकल गई हैं। ऊपर से देखिए प्लांट कितना घना, और जितनी ज़्यादा ब्रांच तो उतनी ज़्यादा फ्लावर्स आएंगी आपकी। तो इसीलिए आप अपने प्लांट को अपने हिसाब से ही कटिंग करें, ज़्यादा छोटा करेंगे तो प्लांट मरने का डर। ये देखिए फ्लावर भी आ गए इसके अंदर, तो मैं फ्लावर नहीं लूँगा, मैं फ्लावर तोड़ दूंगा, क्योंकि ये फ्लावर अच्छे ढंग का अभी मिलेगा नहीं जब तक आपको ठंडे वगैरह नहीं आएंगे। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा ये नॉलेज है, और यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बहुत तरीके से समझाएंगे, क्योंकि मैं अपना तरीका जो बेहतर है मैं वो बताऊँगा, ज़्यादा कम खर्चे में, कम लागत में, कम मेहनत में आपका प्लांट अच्छा ग्रो करे। ये देखिए ये साल भर पुरानी प्लांट है, अगले साल मैंने इसको लगाया था, ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, बहुत स्लो ग्रो कर रहा है। सब प्लांट की अपना एनर्जी अपना अलग होता है, ये नहीं कि समझिए कि सब एक साथ ग्रो करेगा, एक तरीके से ग्रो करे नहीं, कोई धीरे करता है, कोई तेजी से बढ़ता है, तो सब प्लांट अपना अलग अलग होता है। ये देखिए ये साइड साइड की मट्टियाँ वगैरह मैंने हटा दी है, और इसकी जो जॉइंट है वो जॉइंट से आपको मट्टी के बाहर होनी चाहिए,
ज्वाइंट्स मिट्टी के अंदर दबी नहीं होनी चाहिए। अगर ज्वाइंट्स इसकी मिट्टी के अंदर दबी रहेगी तो प्लांटर तेजी से ग्रो नहीं करेगा। ये मिट्टी की मैंने गुड़ाई करवा दी है, दिख रहे ना। आपको करना क्या है कि पहले आपको प्लांट पे सोनाटा का स्प्रे कर लेना है। स्प्रे करने के बाद प्लांट को कटिंग करवा देना है, कुछ दाना डीएपी का डाल देना है, उसके बाद दो चार दिन के बाद मिट्टी की गुड़ाई कर देना है। गुड़ाई करने के बाद ये देखिए 21 तारीख का मैं रिजल्ट दिखा रहा हूँ, देखिए फ्लावर अच्छे होने लगी ना। अभी भी मैं फ्लावर नहीं लूंगा, मैं फ्लावर का कटिंग कर दूंगा, क्योंकि मैं फ्लावर जब भी लूंगा तो नवंबर के बाद ही फ्लावर लूंगा, क्योंकि हमको प्लांट को अभी मजबूती चाहिए, उसको घना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आ जाए प्लांट। अभी क्या नहीं कि कई तरह के कलर की पत्तियां निकलेंगी, तो इसलिए आप घबराने की बात नहीं है कि कोई पीला है, कोई हरा है, कोई अलग अलग तरीके का कलर निकलेगा, तो घबराने की बात नहीं है। अभी ये सीजन ये पानी की ज्यादा पड़ने की वजह से ये पत्तियां को थोड़ा सा हरा रंग लाइट हो गया है, इसलिए घबराने नहीं, वो अपने आप ये देखिए ग्रो निकल रही है ना प्लांट की। ये देखिए सब प्लांट में आपको रूट्स वगैरह निकलेंगी। तो करना क्या है आपको, दाना डीएपी डाल के मिट्टी की गुड़ाई कर देना, फिर कम से कम 10 दिन के बाद फिर सुपर सोनाटा का स्प्रे कर देना, आपकी प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें आपको एनपीके का छिड़काव करिएगा तो बेहतर है, लेकिन अभी एनपीके नहीं डालना है, ये याद रखिएगा। एनपीके आपको नवंबर दिसंबर के जाड़े में डालना है, अभी नहीं, गर्मी ज़्यादा नहीं पड़नी चाहिए मिट्टी प्लांट के ऊपर। इसलिए आप सोनाटा या और डीएपी का ही उपयोग करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।